मेरे भाई बहनों, मेरे बच्चों, थोड़ी सी जिंदगी मिली है, अपने हबीब की जिंदगी को अपना लो। मैं थोड़े थोड़े इशारे करके बता देता हूं। जब आप बेटे हैं तो आप कह रहे हैं, काश मेरे मां बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करता। फिर फरमाया, और नहीं तो मेरी मां तो होती, क्योंकि मां को देखा है ना, बाप को देखा नहीं है। तो फरमाया, काश मेरी मां जिंदा होती और मैं ईशा की नमाज के लिए मुसल्ले पे खड़े होके अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहा होता, और उधर से मेरी मां मुझे बुलाती, मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता, जी अम्मा जान मैं आ रहा हूं, नमाज फिर पढ़ा दूंगा। आसिम जमील की वफ़ात के बाद मौलाना तारिक जमील साहब और उनकी पूरी फैमिली को सुकून नहीं मिल रहा था, तो मौलाना तारिक जमील साहब और उनकी फैमिली ने आपस में प्रोग्राम बनाया कि हम सबसे दुनिया की अफजल और मुकद्दस जगह पर जाते हैं, हमें वहां सुकून मिलेगा। तो मौलाना तारिक जमील साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ उमरा करने के लिए मक्का में आ गए। इस वक्त मौलाना तारिक जमील साहब अपनी पूरी फैमिली के साथ मक्का में है, और मौलाना तारिक जमील साहब और उनकी पूरी फैमिली ने उमरा भी कर लिया है। और मौलाना तारिक जमील साहब ने कहा, हमें इस मुकद्दस और अफजल जगह पर बहुत ज़्यादा सुकून मिला है। अल्लाह पाक से दुआ करें कि अल्लाह पाक आसिम जमील को जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, और अल्लाह पाक मौलाना तारिक जमील साहब को लंबी ज़िंदगी दे, और अल्लाह पाक मौलाना तारिक जमील साहब को हमेशा खुश रखे। आमीन सुम्मा आमीन।